गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। और आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज नॉन एज ए फ्लेम फोटोमीटर। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम स्टडी करते हैं वो है ब्लड गैस एनालाइजर, डेंसिटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, ब्लड फ्लो मीटर, बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडिकेशन, एमआरआई। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बार बार करते हैं, लेकिन आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट नॉन इज ए फ्लेम फोटोमीटर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लेम फोटोमीटर होता क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज नॉन एज ए फ्लेम। फ्लेम माने हम जब भी कोई माचिस को जलाएंगे उसमें से एक ज्योति प्रकट होगी, या मोमबत्ती को जलाएंगे तो उसमें से एक ज्योति प्रकट होगी, और वो ज्योति ही फ्लेम कहलाती है। अगेन फ्लेम के साथ साथ में हमारे पास में उसमें एक लाइट होती है दैट नॉन इज ए फोटो। अब ऐसा मीटर जो ज्योति में से प्रकट होने वाली लाइट को नाप दे उसको कहते हैं फ्लेम फोटोमीटर। तो यहां पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नॉन एज ए फ्लेम फोटोमीटर, ये हिंदी में अपन कह सकते हैं ज्योति प्रकाश मापी। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTR के स्पेशल एग्जाम 2018 में मेन बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाला वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम उसकी स्टडी करें। अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार रिपीट होता है, 2019 में फिर रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, और उससे पहले भी एक दो बार रिपीट हो चुका है। इसका मतलब बार बार रिपीट होने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान भी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमीटर, किस सिद्धांत पर ये फ्लेम फोटोमीटर कार्य करता है। दिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द इमिटेड लाइट इंटेंसिटी व्हेन ए मेटल इज इंट्रोड्यूस इन द फ्लेम। जब भी हम किसी माचिस को या मोमबत्ती को जलाएंगे और जलाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो है वो कलर है, कभी हमको ऑरेंज सा दिखाई देता है, पीला रंग का दिखाई देता है, या लाल रंग का दिखाई देता है, या गैस बर्नर जलाते हैं तो बैंगनी रंग की दिखाई देती है। तो ये डिफरेंट कलर्स जो हमको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ज्योति तो एक ही है, उसके साथ में बर्न होने वाला एलिमेंट वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हमको ये बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। अब हमें ये फ्लेम फोटोमीटर क्या करता है कि अब हम फ्लेम में जब भी कोई मेटल है उसको मालूम करना है तो सबसे पहले उसका हम एक लिक्विड सैंपल लेंगे। लिक्विड सैंपल के बाद में जब उसको फ्लेम के साथ बर्न करेंगे तो वहाँ पर एक क्या होगा, पर्टिकुलर लाइट आएगी, और लाइट होगी तो इसका मतलब उसकी एक वेवलेंथ भी है। बस ये वेवलेंथ से डिपेंड करता है कि उसमें फ्लेम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अब कितनी मात्रा में प्रेजेंट है ये जानने के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी तीव्रता से वो लाइट आ रही है उससे मेजर करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ कलर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। तो वेवलेंथ तो केवल हमको ये बताएगा कि इसके अंदर सोडियम है या पोटेंशियम है या लिथियम है या बेरियम है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बता देगा एलिमेंट। अब फ्लेम क्या करेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, किस परसेंटेज में, उसकी इंटेंसिटी बता देगी कि इस परसेंट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल इसी सिद्धांत पे काम करता है कि कौन सा रंग है और उसकी कितनी इंटेंसिटी है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमीटर। नाउ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर में हम देख रहे हैं कि पूरे ब्लॉक डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर देख रहे हैं एक सैंपल रखने के लिए कोई ना कोई प्रकनली होनी चाहिए या बीकर होना चाहिए, उसके बाद में एटोमाइजर, देन मिक्सिंग चैम्बर, देन लेंस, फिल्टर, फोटो डिटेक्टर, एम्पलीफायर, LCD डिस्प्ले एंड कंप्रेस एयर सप्लाई एंड कंप्रेस फ्यूल सप्लाई। तो ये सारे के सारे ब्लॉक डायग्राम के पार्ट है। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ फ्लेम फोटोमीटर में ऑटोमाइजर को देखते हैं, और ऑटोमाइजर जो ये दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर, यहाँ से सप्लाई आ रही है कंप्रेस एयर सप्लाई और फ्यूल सप्लाई,
ये दोनों यहाँ पर एटोमाइजर के पास में इसे कनेक्ट होते हैं। एटोमाइजर एक तरह की हमारे पास में पिचकारी जैसा डिवाइस है जो कि सैंपल्स को प्रॉपर एयर सप्लाई के साथ में फ्लेम को प्रोवाइड करता है। ये पार्ट है किसका? नुबलाइजर। एक्चुअल में नुबलाइजर का ही पार्ट है एटोमाइजर। इसमें कंप्लीट नुबलाइजर क्या करता है कि ये जो एटोमाइजर के पास में जो भी सैंपल्स आता है उसका एक स्प्रे करता है और वो फ्लेम में बर्न होता है। तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। तो नुबलाइजर इज यूज टू सेंड ए होमोजेनियस सॉल्यूशन इनटू द फ्लेम एट ए बैलेंस रेट पे। अगर बहुत ज़्यादा बैलेंस रेट में नहीं गया, अगर बर्नर ज़्यादा जल रहा है तो वो क्या होगा कि उस एलिमेंट को ही बर्न कर देगा। ये कम जल रहा है तो वो एग्जैक्ट कलर नहीं आएगा। तो इसका एक बैलेंस एंड होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाने के लिए हम नुबलाइजर काम है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम फोटोमीटर इज ऑप्टिकल सिस्टम। जैसे हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो तरह के लेंस हैं हमारे पास, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लेंस से आने वाली जितनी भी लाइट है उन सब लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लेंस क्या करता है, इस लाइट को एक जगह आने के बाद में इसको एक जगह फोकस कर देता है। फोकस करने के बाद में वहाँ स्लिट से उसको पास करते हैं और जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को हमें सेलेक्ट करना है वहाँ फिल्टर की सहायता से उस फ्रिक्वेंसी को हम देख लेते हैं कि सोडियम की वेवलेंथ कितनी है कितनी। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनके बनने के बाद में एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है फोटो डिटेक्टर, इसको प्रोवाइड कर देते हैं। देन एम्पलीफायर, देन लास्ट डिस्प्ले और प्रिंटर, कोई भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज हमारे पास में ऑप्टिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, दोनों से मिलकर बना हुआ है। और कॉन्वेक्स मिरर ट्रांसमिट द लाइट इमिटेड फ्रॉम द एटम्स एंड लेंस हेल्प द फोकस द लाइट ऑन ए पॉइंट ऑफ स्लिट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट नॉन इज अ फोटो डिटेक्टर। तो सबसे पहले देखिए कोई भी फ्लेम यहाँ पर आ रही है, उस फ्लेम में यहाँ पर छोटा सा एटम है उस साथ में बर्न होता है। बर्न होने के बाद में ये कॉन्वेक्स लेंस जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद में ये लेंस क्या करता है उसको फोकस करता है, फिल्टर को प्रोवाइड कर देता है, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं, देन प्रोवाइड द फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर क्या करता है, सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ऑब्जर्व करने वाले लाइट प्रकाशीय ऊर्जा को ये विद्युत धारा में परिवर्तित कर देता है। सारी लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देता है और देन इट प्रोवाइड टू एम्पलीफायर एंड इट आउट। ये एक मिनिमम जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट, वो हमारे पास में सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, देन इट प्रोवाइड टू द LCD डिस्प्ले और प्रिंटर। नेक्स्ट वन इज हमारे पास में फोटो डिटेक्टर इज अ डिवाइस विच एब्जॉर्ब द लाइट एंड कन्वर्ट द ऑप्टिकल एनर्जी टू द मेजरेबल इलेक्ट्रिक करंट। ये डिफरेंट तरीके हमारे पास में वेवलेंथ है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, उसकी क्या वेवलेंथ होगी, ये चार्ट हमें सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अगर हमारे पास सैंपल्स के अंदर अगर सोडियम है तो हमें येलो कलर प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियम होगा तो वॉयलेट कलर प्रोवाइड करेगा, अगर उस सैंपल में बेरियम है तो लाइम ग्रीन प्रोवाइड कर देगा, देन कैल्शियम होगा तो ऑरेंज कर देगा एंड लिथियम होगा तो हमें रेड कलर। तो ये डिफरेंट टाइप के कलर्स जो है हमें दिखाई देते हैं फ्लेम के अंदर। और ये सोडियम है तो हमारे पास में 589 नैनोमीटर इमिटेड लाइट वेवलेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग इसकी ये सारे। अब ये सारे कलर प्रोवाइड होने के बाद में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के हमारे पास में एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं और एप्लीकेशन में। तो फर्स्ट हम लोग कवर करते हैं एडवांटेज ऑफ फ्लेम फोटोमीटर। द मेथड ऑफ एनालिसिस वेरी सिंपल एंड इकोनॉमिकल। इतना आसान है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सैंपल लेना है, लिक्विड होना चाहिए सैंपल, और इतना आसान है कि उसको फ्लेम के अंदर बर्न करना है। बर्न करने से उसके पास में लाइट एक अलग कलर होगा, उस कलर को फोटो डिटेक्टर को प्रोवाइड करना है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में इट्स ए क्विक, इतना जल्दी रिजल्ट देता है, जैसे ही फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आती है कोई भी एलिमेंट तुरंत उसको उस कलर चेंज हो जाता है और हमारे पास में उसकी इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कर देता है। तो सेलेक्टिव भी है, सेंसिटिव भी है, अगेन एवरी लो कंसंट्रेशन, छोटा से छोटा पार्टिकल भी अगर हमारे पास लिक्विड सैंपल में होगा तो उसकी इंफॉर्मेशंस हमें अवेलेबल हो सकती है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें और उसका
परसेंटेज की मात्रा कितनी है, वो चाहे पार्ट पर मिलियन ppm पार्ट हो या चाहे पर बिलियन हो, वो स्मॉल सैंपल भी हम डिटेक्ट इजीली कर सकते हैं। नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम फोटोमीटर, लिक्विड सैंपल का हम सब कुछ इंफॉर्मेशन, सोडियम है कि कैल्शियम है कि लिथियम है कि बेरियम है कि पोटेंशियम, सारे एलिमेंट्स और उसकी मात्रा को चेक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, सांद्रता कितनी है, इसके बारे में हम जानकारी इस फ्लेम फोटोमीटर से नहीं ले सकते। अगेन हमें यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल होना चाहिए जो है उसको नहीं मापा जा सकता, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, वो घुला हुआ होना चाहिए, तभी अपन मेजर कर सकते हैं। तो ओनली लिक्विड सैंपल्स में बी यूज, अगेन इट डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका क्या है, ये भी फ्लेम फोटोमीटर प्रोवाइड कर देता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बता सकता किसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कितना है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है कि ये सॉलिड को नहीं मेजर कर सकता, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बता सकता, कंसंट्रेशन को नहीं बता सकता, तो ये एडवांटेज है। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ फ्लेम फोटोमीटर, हमारे दैनिक जीवन में फ्लेम फोटोमीटर बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई डेफिशिएंसी होगी या कोई रोग होगा, डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले हमारे पास ब्लड के सैंपल्स में टेस्ट कराता है कि आपके कहीं सोडियम की कमी तो नहीं है, कि पोटेशियम की कमी तो नहीं है, मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है, बेरियम की, लिथियम, जो भी पार्टिकल है उसके लिए हमारा टेस्ट होगा। तो हमारे पास में कोई लिक्विड सैंपल होगा या यूरिन का सैंपल लेंगे या सीरियम, कोई भी ब्लड से निकलने वाला तरल पदार्थ उसका सैंपल होगा, तो उसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं वो सोडियम कैल्शियम लिथियम बेरियम का लेवल इन द सैंपल ऑफ सीरम यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूड। अगेन हमारे पास में यूज टू डिटरमाइन द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सीमेंट, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप हो रहा है इसके लिए एक अच्छी क्वालिटी की सीमेंट की आवश्यकता होती है, और अच्छी क्वालिटी की सीमेंट में हाई ग्रेड कैल्शियम होना चाहिए, उसमें प्रॉपर मात्रा में मैग्नीशियम मिला होना चाहिए, जबकि प्रॉपर स्ट्रेंथ। तो जब भी कोई इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री मार्केट में बैग वगैरह सप्लाई करती है तो पहले फ्लेम फोटोमीटर से वहाँ पर उस लिक्विड सॉल्यूशन में उसको घोला जाता है, घोलने के बाद में फ्लेम फोटोमीटर की सहायता से कैल्शियम मैग्नीशियम की परसेंटेज निकाली जाती है, तब देखते हैं क्वालिटी परफेक्ट है, देन मार्केट में प्रोड्यूस किया जाता है। अगर किसी स्थिति में कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो कोई भी आसानी से फ्लेम फोटोमीटर पर वहाँ जाकर कैल्शियम मैग्नीशियम मात्रा चेक कर सकता है, वो बता सकता है कि सीमेंट की क्वालिटी किस तरह की है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं कि किसान जो है खेत में बीज बोने बोता है और फसल लेने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए कुछ काम करता है, लेकिन पता लगता है कि पानी और मिट्टी का वो टेस्ट नहीं कराता है, तो विद द हेल्प ऑफ फ्लेम फोटोमीटर हम पानी का परीक्षण भी कर सकते हैं और मिट्टी का भी परीक्षण कर सकते हैं कि उसमें क्षारीय कितनी मात्रा है। अगर बहुत ज़्यादा क्षारीय होगी तो वैसी प्रोडक्शन हमारे पास नहीं आएगा, अच्छी फसल नहीं उग पाएगी, तो इसलिए पहले मिट्टी और पानी का परीक्षण करा लेना चाहिए। इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, दैट नॉन इज फ्लेम फोटोमीटर। और हम बहुत सारे आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं या फ्रूट जूस पी रहे हैं या अल्कोहल बेवरेज पी रहे हैं, ये सारे इनमें लिक्विड में कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम इनकी सबकी मात्रा एक निश्चित मात्रा सरकार द्वारा तय की हुई है। अगर आवश्यकता से अधिक अगर ये कहीं मात्रा हो जाती है कई बार तो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो इन सब के लिए टेस्ट करने के लिए जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है तो उस लिक्विड सॉल्यूशन को फ्लेम फोटोमीटर से चेक किया जाता है, फ्लेम में बर्न किया जाता है, फिर लाइट इमिट होती है। तो ये सारे प्रोसीजर करने के बाद में फाइनल फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्व करेगा, एब्जॉर्व करने के बाद में इट्स कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल करंट और वो LCD डिस्प्ले या प्रिंटर पे आपको प्रिंट आउट होकर रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी एप्लीकेशंस फ्लेम फोटोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है, आसान भी है क्योंकि इसमें एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। ब्लॉक डायग्राम बनने से एक एडवांटेज है कि क्या करते हैं कि एग्जामिनर जैसे ही ब्लॉक डायग्राम देखता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ब्लॉक डायग्राम बन जाता है तो उसको आसानी से एक्सप्लेन कर लेता है। और ब्लॉक डायग्राम जितना सुंदर HB डार्क पेंसिल से बना हुआ होगा, सारी इन्फॉर्मेशन लगी होगी इसके कौन कौन से पार्ट हैं, तो पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना है। इसलिए इस टॉपिक को एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सभी बच्चों को करना चाहिए। Thank you very much.